प्रार्थना आरती पूजा का कार्यक्रम हर 10 तारीख को तुगलकाबाद में रखा है और 21 तारीख को उसके लिए धरना जो हुआ था संत महापुरुषों के अगुवाई में, तो उसके बाद हमारे बच्चों को पकड़ा गया था और उनको सजा जेल में डाला गया था और कुछ कलम उनके ऊपर लगाए गए थे। पिछले 21 को यही जंतर मंतर से बच्चों के लिए धरना प्रदर्शन करके सरकार के नजरों में लाके दिखाने का काम किया कि हमारे बच्चे हमारे आंदोलन के कारण पकड़े गए हैं और उसको निर्दोष छोड़ना चाहिए। एक वादा सरकार ने पूरा किया है, हमारे बच्चे 96 बच्चों को छोड़ दिया है और उनके ऊपर कोई भी कलम नहीं है, हमारे निर्दोष बच्चे छोड़ दिए गए। सरकार ने हमारे से वादा किया था, इस वादे में सरकार ने जो किया था कामयाब हम हो गए, मैं उसका धन्यवाद सरकार को देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा उन्होंने हमसे वादा किया था तो हमारे बच्चों को छोड़ दिया गया। उसके बाद में जो हमारे धर्मस्थल को जो इन्होंने डिमोल्यूशन किया था उसका आंदोलन लगभग उस टाइम से चालू है, लेकिन पूरे संत और महापुरुषों ने इसको बहुत ही समय से इसको इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए समय भी दिया, धन भी दिया और ये आंदोलन चलता रहा। लेकिन अभी है लास्ट इन्होंने सरकार ने ये तय किया था कि 200 मीटर जमीन में 20x20 का सदगुरु रविदास जी का मूर्ति रखने के लिए स्थान बनाने का आह्वान किया था और बहुत सारे नियम लगाए गए हैं। आपको एमआर पाली जी और भारती जी ने उस बारे में समझाया गया है। लेकिन उसके अंदर कुछ लोगों ने इसमें सरकार की हो सकती है चालती, यहाँ पर 7 पार्टियों को खड़ा किया था, 7 पार्टियों से में वहाँ लगभग 5 पार्टियों ने सरकार की जो उन्होंने दिया वो कबूल किया था। उसके बाद 108 संत कुलवंत राम जी साधु संत संप्रदाय से पंजाब से प्रधान जी उन्होंने कह दिया है कि हम उस सरकार के दिए हुए
उससे हम सहमत नहीं है। तो पांच में से उन्होंने अपने तरफ से कह दिया तो चार सरकार के लोग हैं, एक संत अधिधरम के हीरा जी है और तीन बीजेपी के विश्वपीठ के पदाधिकारी लोग हैं। तो इन लोगों ने कोर्ट को लिखित दिया है कि जो सरकार ने दिया है हमें मंजूर है। तो इसी के कारण जो हमारी कमेटी थी, जो मिशन तुगलकाबाद की पूरी टीम संघर्ष कर रही है, उन्होंने उस आदेश को माना नहीं, ठुकराया। तो उसके बाद में शायद जो हमारी वकील साहबान शायद आइन टाइम पे उन्होंने भी कह दिया कि वो पाछों ने इसको मान्यता दी है, तो कमेटी के लोग आप भी इसको मान्यता दे। तो कमेटी के लोगों ने इसको ठुकराया। तो उस वकील ने उसी समय कमेटी के लोगों को कहा कि आपकी केस हम नहीं लड़ेंगे। 17 तारीख को लगभग 4 या 5 बजे कमेटी के लोगों को उस वकील ने कहा, कमेटी के लोगों ने और मिशन तुगलकाबाद की टीम ने लगभग उसी समय एक वकील को नियुक्त किया और जो हमारी जो बाजू है उनको समझा कर उनको केस के लिए खड़ा किया। इसके लिए मेरा ये संदेश है पूरे देश दुनिया के लोगों को कि जो मिशन तुगलकाबाद की टीम सदैव समाज हित के लिए खड़ी है, अपने समाज के लिए खड़ी है, अपने धर्म के लिए खड़ी है, सदगुरु रविदास महाराज जी के विचारधारा के लिए हम लोग खड़े हैं। अभी भी हमारे सामने आज ये समय, आज का धरना था, धरना समाप्त हो रहा है, लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ा है। ये आप लोगों को किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो मामला था वो मुझे लगता है कोर्ट ने निपट लिया है। कोर्ट ने 200 गज के आधा और अलावा 400 गज देकर और सरकार की तरफ से जो कमेटी को खड़ा किया था उनके अंतर्गत और जो पुरानी कमेटी के अंतर्गत ये काम किया जाए, ऐसा आदेश कोर्ट में आज दे चुके हैं। तो शायद लड़ाई लड़ना ये मंजूर है या भी हम मिशन तुगलकाबाद का टीम का विषय नहीं रहा, ये इसे वापिस पूरे देश दुनिया का रहा और वापिस पूरे संत महापुरुषों का रहा। इसके ऊपर बैठकर आज वापिस चिंतन करना चाहिए और एक होकर जो दिया है उसको लेना है या आगे संघर्ष करना है। आगे संघर्ष करना है तो आगे अगर संघर्ष करना है तो सबको साथ लेके संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे तरफ से आज आप लोग इतने बैठे हैं, बताओ मैं किसी एक आदमी को कभी मिला हूँ? नहीं, नहीं। बताओ मैं किसी एक आदमी को कोई संदेश दिया हूँ? नहीं।
बताओ मैं किसी को रोकने के बारे में बोला हूँ? चाहे मिशन तुगलकाबाद की टीम के भी लोग हो या आप सब समाज के हित चिंतक, धर्म के हित चिंतक हो, मेरे मुख से कभी भी किसी को, एक आदमी को कोई संदेश दिया नहीं गया। संतों और महापुरुषों का नाम लेकर कंटिन्यू मैं आपको यही कहता रहा कि संत महापुरुषों के आशीर्वाद से उन्होंने हमें यह खड़ा किया है और हम संघर्ष कर रहे हैं। बता, अब इसके अलावा कुछ मैंने बोला है? नहीं। इसके अलावा कुछ बोला है तो बोल सकते हैं? नहीं। इसके लिए आपस के भी कुछ हमारे व्यवहार सही होने चाहिए। हमारे तरफ से कोई भी संत महापुरुष हो, कोई भी संगठन हो, हमारे तरफ से कभी भी मन में क्रोध नहीं है और कोई भी ये आंदोलन इस जमीन के ऊपर हमें यहाँ कब्जा डालकर बैठना नहीं है। आज लगभग 3 महीने के करीब हो रहा है हम रात दिन घूम रहे हैं। कारण समाज की चीज है, गुरु का धर्मस्थल है और धर्म का मामला है, इसलिए धर्म के कुछ हम भी जवाबदार लोग हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है समाज के सामने डटकर खड़ा रहे, इसलिए ये ड्यूटी हमने पूरी की है। लेकिन आज वापिस हम लोगों को बहुत गहराई से चिंतन करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी अभी बीच में संत कुलवंत राम जी के नाम से कुछ ये निकला, अपील किया हुआ और 5 वकीलों ने उनके नाम पर दर्जी अपील करके उनका नाम डालकर आगे किया। उसी टाइम कोर्ट के बाहर जो कागज हमारे हाथ में आया, तुरंत हम उनके पास गए, महाराज ये आपके नाम पे ये डाला गया है तो इसके लिए आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा मुझे ये पता भी नहीं है और मैंने कभी सिग्नेचर भी नहीं की, लेकिन ये आपके नाम से कैसा डाला गया आप देखिए, या आप हमारे साथ बैठिए या हम पत्रकार परिषद लेंगे। लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहे। लेकिन वो जो 18 तारीख का जो संदेश आया था, हमारे टीम ने पढ़ के सिर्फ सुनाया कि ऐसा ऐसा कोर्ट में हुआ है, तो शायद उससे उनको मन के ठेस लगी और उन्होंने हमें गलत समझने का काम किया। चलो भूल हो सकती है उनसे भी हमसे भी, लेकिन हम हमारे लोगों से दुखी नहीं है। हमें एक होने का समय है, एक होकर इस संघर्ष को लड़ने का काम करना पड़ेगा, तभी हमारा ये होता है। उन्होंने यहाँ जंतर मंतर में भी 5 दिन वो बैठे तो हमारे टीम को हमने आह्वान किया था, उनको सब लोगों ने साथ देना है और किसी को भी हमने रोका नहीं था। सब लोग हम जितना साथ दे सके दिए, लेकिन शायद उनके मन में ये प्लानिंग हुआ कि जब मैं बैठा था तो दिल्ली के लोग मेरे पास कोई नहीं आए थे, लेकिन उनके लिए हमने मीटिंग रखी थी। संत माता जी यहाँ बैठी है, उस मीटिंग में हाजिर थे, उनके लिए इसलिए मीटिंग रखी थी कि आप आओ, क्या प्लानिंग है, बैठकर हम करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। उस मीटिंग में वो हाजिर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने उसमें भी शायद मन में थोड़ा कुछ उनके गलत महसूस करने लगे, तो कारण कि आप दिल्ली के लोग उस समय उनके साथ नज़र नहीं आए। यह हमारे तरफ से कोई ऐसा संदेश नहीं दिया गया था कि भाई वो भी एक है हम भी एक है, और वो भी उसी लिए संघर्ष कर रहे हम भी उसी लिए संघर्ष कर रहे, मिलकर चलने का हमारा संदेश था। आज भी ये संदेश मिलकर चलने का है। लेकिन आपको पता होना चाहिए संत तो एक दूसरे को समझकर हम जरूर एक होंगे, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स घुसे
राजनीति घुसी है उसको कैसा हम लोगों को सवाल को जवाब देना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। विश्वपीठ के यहाँ के आपके सुरजीत नाम के उन्होंने भी उस सरकार के जो दिए हुआ हमारा जो दिया था उसको मान्यता दिए है, ऐसे ही हीरा जी ने भी दिए है और दूसरे दो विश्वपीठ के लोगों ने दिए। क्या ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए? माफ करना चाहिए नहीं। ये सबका सवाल है, मेरा अकेले का नहीं है। जो सब आप लोग तय करोगे उसी हिसाब से उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो इसलिए आज समय हो चुका है, बहुत ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है। 10 तारीख का पूजा का कार्यक्रम आपको सबको पता है। 10 तारीख के कार्यक्रम में आप सब लोगों को बहुत ताकत से शामिल होना है और जो सरकार ने आज कोर्ट ने आदेश किया है अभी उसके ऊपर हम लोग चिंतन करेंगे कि आगे क्या भूमिका निभानी है और किस ढंग से आंदोलन को चलाना है या हमें उसको किस ढंग से लेना है या ना लेना है, वो तय होने के बाद आपको संदेश आएगा। उस हिसाब से हमको संघर्ष करना पड़ेगा। ये आंदोलन के लिए संदेश मेरा है, बच्चों के लिए सरकार ने जो हमें हेल्प की सरकार का धन्यवाद, लेकिन जमीन का गुरुघर का मसला हमारा सवाल नहीं हो गया क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल कमेटी थी शायद उसको भी पूरा अधिकार नहीं दिया गया है। सरकार के माध्यम से टीम तैयार करके शायद इस कमेटी को कुछ साथ लेके उन्होंने काम करने का आदेश निकाला है और 200 के आवेजे 400 मीटर का उन्होंने ये किया है, तो ये शायद आज कोर्ट का सिक्का लग चुका है। ये कोर्ट का सिक्का लग चुका है और कोर्ट ने जो हमारे बच्चे जो बिना शर्त छोड़े हैं उनके ऊपर कोई भी कलम नहीं रहेगा, कोर्ट का आदेश हुआ है। तो कोर्ट का भी धन्यवाद हम करते हैं और सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक संघर्ष अभी तक तय नहीं है कि मंदिर वाला मामला जो मिशन तुगलकाबाद की टीम और संत महापुरुषों का आदेश और सब रविदास वंश के कुल के लोगों का संदेश आदेश ये सब मिलकर तय कर आने वाले समय में इसका संदेश आपको दिया जाएगा, उस हिसाब से इस आंदोलन को आगे चलाया जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए यहीं पर संत गिरजोगिरी महाराज जी और बीबी कृष्णा जी और जैसे सुरेंद्र दास बाबा जी चंडीगढ़ वाले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।